नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही है मसाला आलू पूरी की रेसिपी, और उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया सी सेवई का खीर मैं बनाऊंगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ आलू पूरी के लिए। आटा लगाने के लिए मैंने लिया है 2 आलू, उबले हुए बॉयल्ड आलू हैं ये, 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर, 1 स्मॉल टीस्पून धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, जीरा पाउडर क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, कैरम सीड अजवाइन है थोड़ा सा, और 1/4 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। सबसे पहले मैं आलू को ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लूँगी, इसकी सहायता से मैं बारीक साइड से ग्रेट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इन सभी मसालों को आलू के साथ में, यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप व्हीट फ्लावर, और मैंने लिया है 2 टेबल स्पून सूजी, जिसको मैंने बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं सभी मसालों के साथ इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए मैं जितना पानी की आवश्यकता हो उतना ही पानी डालेंगे इसमें। सबसे पहले मैं इसे अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने लिया है पानी, नॉर्मल वाटर है ये। अब मैं इसे अच्छी तरीके से सान कर रोटी से हल्का सा सख्त आटा बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब मैं इसे एक प्लेट से ढक दूंगी। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक मैं खीर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। खीर बनाने के लिए मैंने लिया है सेवई, थोड़े से मैंने लिया है शुगर कैंडी, और लिया है मैंने 1/2 टीस्पून घी। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें घी। घी डालने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें सेवई। सेवई को मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक भून लूंगी। इधर मैंने दूध को भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। सेवई को मैंने भून कर रेडी कर लिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इधर दूध में भी बॉयल आ चुका है। अब मैं सेवई को दूध के अंदर डाल दूंगी। अब मैं सेवई को बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लूँगी मैं इसको। सेवई को मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाऊंगी मैं। अभी मैं डाल दूँगी
ये जो मैंने शुगर कैंडी लिया हुआ है इसको मैं डाल दूंगी दूध के अंदर। आप इसकी जगह पे शुगर भी ले सकते हैं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। अब ये बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी फ्रेश कूटा हुआ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इसे गैस से नीचे उतार दूंगी। से मैंने उतार दिया है। अब मैं पूरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कोकोनट ऑयल। मैंने कढ़ाई में कोकोनट ऑयल डाल दिया है और इस आटे का भी मैंने लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलिए मैं पूरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं एक लोई का अच्छा सा इस तरीके से राउंड शेप बना लूँगी। इसमें हल्का सा मैं तेल लगा लूँगी हल्का सा, और तेल लगाने के बाद मैं बेलन की सहायता से राउंड शेप पूरी के जैसा बेलकर तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। इस तरीके से मैं पूरी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं तेल लगाऊंगी हल्का सा, उसके बाद मैं आप इस आटे में मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैंने चिली पाउडर डाला। आप इसके जगह पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या ग्रीन चिली भी कट करके डाल सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ पूरी मैं बेल कर तैयार कर लूँगी। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं कढ़ाई के अंदर पूरी को डाल दूंगी। इसे पहले हल्का सा प्रेस कर दूंगी और इसके ऊपर मैं तेल डालती जाऊंगी ताकि अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हो जाए। अब मैं इसे पलट दूंगी। बहुत ही सॉफ्ट पूरी बनकर तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर बना कर खाएं। अब मैं इस पूरी को एक प्लेट में डाल दूंगी। और इसी तरीके से दूसरी पूरी को भी मैं तल कर निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं पूरी कैसे फूल कर रेडी हो जा रहा है। इस तरह से ही मैं सभी पूरियों को बेलकर तल के निकाल लेती हूँ। इस तरह से पूरी के ऊपर पहले स्टार्टिंग में हल्का सा प्रेस करना है। इस तरह से मैं सभी पूरियों को तल कर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से मैंने सभी पूरियों को तल कर रेडी कर लिया है और साथ ही अपना लंच थाली भी मैंने तैयार कर लिया है। मैंने लिया है ये जो अपनी अभी मैंने सेवई का खीर बनाया था वो सेवई का खीर लिया है मैंने।
बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सेवई की खीर बनी हुई है। और लिया है मैंने पूरी, आलू की पूरी है, और ये सिंपल सी प्लेन कद्दू की सब्जी है, ये लौकी की सब्जी है बोटल गार्ड की। इसके साथ ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आप प्लीज़ मेरे तरीके से, जिस तरह से मैंने प्लेन खीर बनाया है और आलू की पूरी बनाई है मैंने और कद्दू की प्लेन सब्जी बनाई है, बिल्कुल हरी मिर्च, एक हरी मिर्च और दो तीन लहसुन की कलियां डालकर इस सब्जी को मैंने बनाया है, और हल्दी और नमक डाला है इस सब्जी के अंदर, और बाकी और कुछ भी नहीं है, प्लेन सब्जी है ये। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही मस्त है ये। प्लीज़ आप एक तरीके से, इस तरीके से मैंने जो लौकी की सब्जी, आलू की पूरी और सेवई की खीर, प्लेन खीर के साथ मैंने अपना लंच थाली तैयार किया है, उसी तरीके से अपना लंच थाली तैयार करें और खाएं, और मुझे बताएं कि आपको ये लंच थाली की रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरा विश्वास है आप एक बार इस रेसिपी को बना कर खा लेंगे, आप इस रेसिपी को बार बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका टेस्ट ही इतना गजब का है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है ये रेसिपी। प्लीज़ आप एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं। अगर आपको ये मेरी आलू की पूरी सिंपल सी खीर की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अभी थोड़ा सा खा के मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है ये। गजब का टेस्ट है, आप प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं ज़रूर। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बनाएं और खाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।